जय श्री कृष्णा। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर उठाएंगे जिसको हम लोग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं, और ये चैप्टर बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन इसलिए क्योंकि मैकेनिक्स में आपको तीन टाइप के फोर्सेस पढ़ने होते हैं, एक टेंशन पढ़ना होता है, एक नॉर्मल पढ़ना होता है, एक फ्रिक्शन पढ़ना होता है। टेंशन नॉर्मल हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा, फ्रिक्शन चूंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो एक अलग ही चैप्टर बना दिया गया। तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन के बारे में बात करें, तो फ्रिक्शन जो होता है, जो चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। किन्हीं भी दो सर्फेसेस के बीच जो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होता है उसी की वजह से आता है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, नेचर के अंदर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। पहली बात। दूसरी बात, फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा अगर आप विचार बनाए, थोड़ा सोचें, तो एक बार ये दिमाग में पहले आप सोचें, फिर मैं तो बताऊंगा कि फ्रिक्शन होता क्या है, एक्चुअल में क्या है। तो मैकेनिक्स में जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ते हैं तो क्या होता है, सोचिए, 10 सेकंड का समय लेके सोचिए फ्रिक्शन क्या होता है, पहले आप सोचिए फिर मैं बताता हूं। तो जब भी कभी कोई दो सर्फेसेस एक दूसरे के रिलेटिव मूव करती है, या उनके अंदर एक दूसरे के रिलेटिव मूव करने की टेंडेंसी होती है, तो उसको अपोज करने वाला जो फोर्स होता है उसी को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। फिर से सुनिए, कभी भी दो सर्फेसेस अगर एक दूसरे के रिलेटिव मूव करते हैं, या एक दूसरे के मूव करने की उनके अंदर टेंडेंसी होती है, रिलेटिव मोशन होता है या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है, तो उसको अपोज करने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये बता रहा हूं कि ये जैसे एक डस्टर है, डस्टर के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो मेरे हाथ और डस्टर के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो इस डस्टर के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो किन्हीं भी दो सर्फेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है या उसकी टेंडेंसी को अपोज करने का फोर्स फ्रिक्शन है। कई बार लोग ऐसा मान लेते हैं फ्रिक्शन के बारे में, गलत फहमी पैदा कर लेते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है हमेशा मोशन को अपोज करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये ऊपर एक ब्लॉक है, नीचे एक ब्लॉक है, मैं नीचे वाले ब्लॉक को आगे चला रहा हूं, तो साथ साथ मैं नीचे वाले ब्लॉक को तो मैं खुद से पकड़ के ले जा रहा हूं, तो साथ साथ ये ऊपर वाला क्यों जा रहा है, ये बड़ा सवाल है कि भाई नीचे वाले को तो मैं पकड़ के ले जा रहा हूं, ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो इसके साथ क्यों जा रहा है। ऊपर वाला ब्लॉक इसलिए साथ जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन है वही उसको आगे लेके तरफ जा रहा है। तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो तो मोशन के डायरेक्शन में लग रहा है। कई बार लोग ये रट लेते हैं दिमाग में, 9th-10th में जो पढ़ा होता है उसके हिसाब से ये रट लेते हैं कि फ्रिक्शन मोशन के अपोज को अपोज करता है, बिल्कुल गलत बात है ये, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। किन्हीं भी दो सर्फेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है फ्रिक्शन उसको अपोज करने वाला फोर्स है, रिलेटिव मोशन या उसकी टेंडेंसी को। रिलेटिव मोशन को जो अपोज करता है उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, और जो उसकी टेंडेंसी को अपोज करता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है इसके बारे में मैं लिखता हूं, फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेज रिलेटिव मोशन, अपोजेज रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ विच अपोजेज रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेज रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन, फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेज रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेज रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। एक ऐसा फोर्स होता है जो किन्हीं भी दो सर्फेसेस के बीच की रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है। जैसे ध्यान से समझिएगा इसको, मैं जमीन पे चल रहा हूं, ऐसे मैं भी रुका हुआ था, मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं था, मैंने जमीन पे चलना चालू किया, तो मेरे ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा या आगे लगेगा, पीछे नहीं लगेगा, आगे की तरफ लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही तो मुझे चला रहा है।
तो ये दिमाग में जो धारणा आपने बनाई है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, ये निकाल दीजिए बार बार, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, फ्रिक्शन मोशन को नहीं, रिलेटिव, किसी भी दो सर्फेसेस के बीच का जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करता है। एक रिलेटिव भी अगर आगे जाना चाहेगा तो वो उस पर पीछे की तरफ लगेगा, या वो पीछे जाना चाहेगा तो उस पर आगे की तरफ लगेगा। अब इसी के अंदर दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है। तो ये बात भी मैं यहां नोट डाल के लिख देता हूं, दो टाइप के जो फ्रिक्शन है इसके अंदर पहला जो है वो काइनेटिक है, तो लिख देता हूं मैं काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। दूसरा पॉइंट, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। दो तरह के जो फ्रिक्शन होते हैं ना, काइनेटिक और स्टैटिक, इसमें काइनेटिक जो होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और स्टैटिक जो होता है रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है। ये तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई, इस पर हम लोग लौट करके आएंगे। अब अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें, मॉलिक्यूलर लेवल पर, मॉलिक्यूल के लेवल पर जाके देखें, तो फ्रिक्शन की क्या वजह होती है ये मैं यहां पर आपको सिखाने जा रहा हूं। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शन, माइक्रोस्कोपिक का मतलब बिल्कुल एकदम सूक्ष्म स्तर पर, बहुत छोटे लेवल पर अगर हम देखें, या एटमिक लेवल पर जाकर के देखें, तो फ्रिक्शन का जो कॉज है, जो कारण है, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह क्या है। फ्रिक्शन की दो मेन वजह है, एक तो इंटरलॉकिंग है, और मैं समझा रहा हूं ये होता क्या है, एक इंटरलॉकिंग है, और दूसरी वजह जो है वो बॉन्डिंग है। वैसे फिजिक्स के अंदर हम लोग बॉन्डिंग कंसिडर नहीं करते हैं, हम मानते हैं कि जो दो सर्फेसेज हैं कॉन्टैक्ट में वो केमिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन वजह तो हमें पूरी जाननी ही पड़ेगी। तो फ्रिक्शन के दो कारण होते हैं, एक इंटरलॉकिंग और एक बॉन्डिंग। सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ये इंटरलॉकिंग क्या होता है, इंटरलॉकिंग के अंदर क्या फिनोमेना होता है, इसको समझिए। जैसे सपोज करिए कि कोई एक सर्फेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक है। ब्लॉक को मैं व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं, और डिफरेंस पैदा करने के लिए सरफेस को मैं किसी डिफरेंट कलर से पोर्ट्रे कर दे रहा हूं। डिफरेंस पैदा करने के लिए मैं सरफेस को ऐसे दिखा रहा हूं, अब सरफेस देखने में तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम जैसे प्लेन होती है, लेकिन वास्तव में कोई भी सरफेस प्लेन थोड़ी होती है। हम चूंकि मॉलिक्यूल को देख नहीं पाते हैं तो इसलिए हमें ये एकदम प्लेन दिखाई पड़ती है। जैसे कई बार आप ऐसे समझें, जैसे मून को देखें, धरती से अगर हम चांद को देखें तो चांद हमें एकदम स्मूथ लगता है, जबकि चांद के अंदर लोग बता दें कि कई कई किलोमीटर जो है गहरे गड्ढे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन देखने पे तो हमें वो एकदम प्लेन लगता है, क्योंकि हम बहुत दूर से देख रहे हैं। बहुत दूर से देखते हैं तो बहुत छोटी छोटी माइन्यूट एनालिसिस हम नहीं कर पाते हैं। या कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि माली पेड़ पौधों की ऐसी कटाई कर देता है कि दूर से देखने पे वो किसी जानवर जैसे दिखते हैं, हाथी की तरह काट देगा, तो दूर से देखेंगे तो वो एकदम ऐसे लगा सामने हाथी है, पेड़ नहीं है, फिर जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि नहीं वो पेड़ था। तो कहने का मतलब कि जो सर्फेसेस हैं वो देखने में तो आपको एकदम प्लेन लग रही, लेकिन वास्तव में इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल एकदम प्लेन नहीं होते हैं। मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे इसका इसके मॉलिक्यूल में बनाऊं, मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर मैं जाऊं, मॉलिक्यूलर लेवल पर देखूं तो कुछ इस टाइप से मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ मॉलिक्यूल अंदर धंसे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल मतलब नीचे से कुछ मॉलिक्यूल ऊपर चले गए होंगे, ऊपर से कुछ मॉलिक्यूल जो है वो नीचे आ गए होंगे, और इसी तरह से जो ऊपर है, जो सरफेस, जो ब्लॉक है जो सरफेस पर रखा गया है, सरफेस के मॉलिक्यूल भी वैसे नहीं होंगे, कुछ मॉलिक्यूल तो इस वाले सरफेस को पेनिट्रेट कर गए होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं ये है
कि जब भी कोई ब्लॉक किसी सरफेस पर रखा जाता है तो ब्लॉक के कुछ मॉलिक्यूल सरफेस के अंदर चले जाते हैं, सरफेस के कुछ मॉलिक्यूल ब्लॉक के ऊपर चले जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे में जाकर लॉक हो जाते हैं। इंटरलॉकिंग यही है कि जब भी दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में आती हैं तो दोनों सर्फेसेस के कुछ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पेनिट्रेट करके इंटरलॉक कर देते हैं। ऊपर वाली सर्फेस के कुछ मॉलिक्यूल नीचे आ गए, नीचे वाले सर्फेस के कुछ मॉलिक्यूल ऊपर चले गए और दोनों एक दूसरे में जाके अटक गए। अब अटक गए तो अटकने के बाद अगर मैं ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा के खींचूंगा तो ये जो इंटरलॉक्ड मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे, अपोज करेंगे, अपोज, और यही अपोजिशन जो है फ्रिक्शन कहा जाता है। मतलब जब भी हम दो सर्फेसेस को कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों सर्फेसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर इंटर कर जाते हैं, घुस जाते हैं, वो इसका एक मॉलिक्यूल इसके अंदर घुस जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा। अब इंटरलॉक हो गया और अगर हम इसको खींचेंगे तो उस इंटरलॉकिंग के कारण ये अपोजिशन होगा और उसी अपोजिशन को हम फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मैं इस बात को जो मैंने फिगर बनाया इसको मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन एवर द टू सर्फेसेस Whenever the two surfaces are brought in contact, whenever the two surfaces are brought in contact, whenever the two surfaces are brought in contact, their molecules get interlocked. The molecules get interlocked. This interlocking is responsible for friction. जब भी दो सर्फेसेस कॉन्टेक्ट में आएंगी तो दोनों दिखाई नहीं पड़ेगा हमें, इसका मॉलिक्यूल इसमें जाता नहीं दिखेगा और इसका मॉलिक्यूल इसमें जाता नहीं दिखेगा, लेकिन ये दोनों सर्फेसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरलॉक हो जाते हैं और इंटरलॉक जब हो गए तो हम खींचेंगे तो विरोध करेगा ही। अब एक और बात आती है इसके अंदर की, जैसे हम खींचेंगे तो खूब दम लगाएंगे और दम लगा के खींचेंगे तो एक बार अगर ये चल गया तो ये जो इंटरलॉकिंग है ये कमजोर पड़ जाती है। एक बार चल गया तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो रस्ते से हट जाते हैं, टूट के बिखर जाते हैं और जो इंटरलॉकिंग है कमजोर पड़ जाती है। तो एक बार आपको इसको चलाना बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन अगर एक बार ये चल गया ना तो चलने के बाद जो एफर्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब आप चलाओगे तब तो आपको ये सारी इंटरलॉकिंग तोड़नी पड़ेगी, तोड़ोगे जब आप तो ये चल पड़ेगा और इंटरलॉकिंग टूटते ही इंटरलॉकिंग मतलब थोड़ी बहुत तो बची रहेगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन इंटरलॉकिंग का असर थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए देखें जैसे घर में कई बार आपको माँ आपकी कहती है कि भाई बड़ा सा डबल बेड है इसको धक्का दो, या कोई भी चीज है भारी चीज है उसको धक्का देने के लिए आपको बोला जाता है, तो पहले आप बसते हैं कि भाई क्यों धक्का दें, हम किसी तरह बच जाएं। जब आपको धक्का देना ही पड़ता है तो उस कंडीशन में आप जब पूरा दम लगा के उसको ऐसे धक्का देते हैं तो शुरू में बड़ा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार अगर वो चीज खिसक गई, डबल बेड है या कुछ भी है, अगर वो खिसक गया तो फिर आसानी से खिसकता चला जाता है। तो शुरुआत में तो क्या आपको इंटरलॉकिंग तोड़नी पड़ेगी, इंटरलॉकिंग तोड़ने के लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, एक बार इंटरलॉकिंग टूट गई इंटरलॉकिंग कम हो जाती है तो आसानी से हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। कोई भी सर्फेस है तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो काइनेटिक से ज्यादा होगी। तो फ्रिक्शन का पहली वजह जो थी वो इंटरलॉकिंग थी, दूसरी वजह बॉन्डिंग होती, बॉन्डिंग को हम इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने की वजह क्या है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के अंदर ये मानते हैं कि जो बॉडीज है वो केमिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये दोनों सर्फेसेस एक दूसरे से बॉन्ड बनाने लग जाए, मान लीजिए बॉन्ड बनाने लग जाए तो बॉन्ड के फोर्सेस तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो फ्रिक्शन अचानक से बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो अगर दोनों सर्फेसेस केमिकली एक्टिव होती हैं तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बहुत अधिक हो जाती है, लेकिन बॉन्डिंग को हम लोग फिजिक्स के अंदर कंसिडर नहीं करते, इसलिए हम लोग बॉन्डिंग जो है मैं आपको मतलब डिटेल में नहीं बता रहा हूं बॉन्डिंग के बारे में। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है इसको समझिए। काइनेटिक फ्रिक्शन बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किन्हीं भी दो सर्फेसेस के बीच जो रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करता है, उसको अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन आता है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा मैं इसके डायरेक्शन के बारे में बात करना चाह रहा हूं। काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है इस पर मैं कुछ आपको छोटे छोटे सवाल देके एफबीडी टाइप के बनवाऊंगा, जिससे कि आपको काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन में आप कंफर्टेबल हो जाए। छोटे छोटे सवाल दो दो तीन तीन लाइन के दे रहा हूं मैं, जैसे एक ये ब्लॉक है ए,
दूसरा ब्लॉक है बी, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से इधर, ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से इधर। तो आपको क्या करना है, ए और बी पे, अच्छा मैं ये मान रहा हूं कि मतलब सारी सर्फेसेज रफ है, कोई भी स्मूथ सर्फेस नहीं है, हर सर्फेस रफ है, यानी यहां भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहां भी लग रहा होगा, तो हर सर्फेस, जितनी भी सर्फेसेज हैं वो सारी सर्फेसेज अगर मैं रफ मानूं, तो ए और बी पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। तो जैसे ए और बी पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन मुझे निकालना है, तो अगर देखा जाए तो ए बी 10 से जा रहा है, ए 6 से जा रहा है, तो ए के रिलेटिव अगर मैं देखूंगा तो बी जो है वो 4 से आगे की तरफ जा रहा होगा। मैं अगर ए के रिलेटिव देखूंगा तो ए की वेलोसिटी उल्टी करके इसको दे दूंगा मैं, तो इसकी वेलोसिटी उल्टी करके देंगे तो 10-6 = 4 हो गया। तो अगर ए के रिलेटिव देखूंगा तो बी आगे जा रहा है, तो अगर ए के रिलेटिव भी आगे जा रहा है तो ए क्या करेगा, बी पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। भाई अगर आप रिलेटिव मोशन को अपोज करता है तो ए के रिलेटिव भी अगर आगे जा रहा है तो ए क्या करेगा, बी पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाएगा। अब न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से अगर ए ने बी पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाया है तो बी ए पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाएगा, ठीक है, बी जो है वो ए पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाएगा। और अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूं तो जमीन के रिलेटिव क्या हो रहा है, जमीन के रिलेटिव ए आगे जा रहा है, तो जमीन के रिलेटिव अगर आगे जा रहा है तो जमीन इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगा देगी, पीछे की तरफ लगा देगी, तो ये ए और बी पर फ्रिक्शन के डायरेक्शन आ गए, ठीक है। पहले मैं डायरेक्शन आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्शन के बाद फिर वैल्यू पर आएंगे। वैल्यू निकालना आसान होता है काइनेटिक फ्रिक्शन की, जिन्होंने पढ़ रखा हो जानते भी है कि म्यू के इनटू एल, डायरेक्शन में चक्कर पड़ता है, बार बार हमें सोचना पड़ता है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहूंगा और डायरेक्शन आपको बहुत ही अच्छे से मैं सिखाने जा रहा हूं। इसी में थोड़ा चेंज करते हैं, मान लेते हैं कि ए ये है, बी ये है, बी इस ए जो है, बी जो है वो इस बार 6 से जा रहा है, ए जो है वो 10 से जा रहा है, सारे सर्फेसेज रफ हैं, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखाओ, पॉज करो, एक मिनट का समय लो, डायरेक्शन दिखाओ, फिर आर एस सर का सोल्यूशन देखो। ये ए है, ये बी है, अगर मैं ए के रिलेटिव देखूंगा तो ए के रिलेटिव बी पीछे की तरफ जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी जब इसको उल्टी होकर मिलेगी तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी -4 - 6 - 10 - 4 हो गया, यानी ये पीछे की तरफ जा रहा होगा, तो ए के रिलेटिव अगर मैं देखूंगा तो बी पीछे जा रहा होगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करना है इसे, तो अगर ए के रिलेटिव बी पीछे जा रहा है तो ए क्या करेगा, बी पर जो फ्रिक्शन लगाएगा वो आगे की तरफ लगा दिया, मान लिया F1 लगा दिया, तो ए ने बी पे आगे की तरफ लगा दिया, अब बी चुप थोड़ी बैठेगा, वो ए पर पीछे की तरफ लगा देगा, ये ए पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा देगा F1। और अगर जमीन के रिलेटिव देखूंगा तो मैं ये 10 से जा रहा है, जमीन के रिलेटिव देखूंगा तो ये 10 से जा रहा है, तो जमीन इसके ऊपर पीछे की तरफ, ग्राउंड के रिलेटिव देखूंगा तो ये 10 से आगे जा रहा है, तो ग्राउंड इसके ऊपर F2 जो है वो पीछे की तरफ लगा देगा, ठीक है। चलिए, तो ये ए और बी जो है इनके ऊपर लगने वाले फोर्सेस जो है वो आगे। कुछ और सिचुएशन देखते हैं जहां पे हम ए बी सी के ऊपर फ्रिक्शन दिखाएंगे, 3 ले लेता हूं, क्या दिक्कत है भाई, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सी जा रहा है 10 से, बी जा रहा है 12 से, और ए इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। आपको तीनों पर एबीसी हर जगह पर हर सरफेस पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो आपको इन तीनों पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखाना है। पॉज करें, 2 मिनट का समय लें, फिर आरएसआर का सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं। इसमें सी जो है अगर देखा जाए तो बी के रिलेटिव, सी जा रहा है 10 से, बी जा रहा है 12 से, दो लोग दौड़ रहे हैं, मान लो एक साथ दौड़ रहे हैं, तो जो तेज दौड़ रहा है ठीक है उसके हिसाब से धीरे वाला पीछे जा रहा होगा ना, जैसे मान लो मेरे साथ बगल में कोई दौड़ रहा है, मैं तेज दौड़ने लगा तो मेरे हिसाब से वो पीछे चला जाएगा, तो वही चीज यहां पे हो रही है कि बी 12 से जा रहा है और सी 10 से जा रहा है, तो बी के हिसाब से सी जो है वो पीछे की तरफ जा रहा होगा। तो अगर बी के हिसाब से सी पीछे की तरफ जा रहा होगा तो ये रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए उसके ऊपर आगे की तरफ फ्रिक्शन लगा देगा, ठीक। अब एक बात ही आ गई, दूसरी बी जो है, बी अगर देखा जाए तो बी के रिलेटिव अगर हम सी को देखेंगे, बी के रिलेटिव सी देखेंगे तो सी पीछे की तरफ जा रहा था तो सी पे फ्रिक्शन आगे लग गया, अब बी ने सी पर आगे की तरफ लगाया तो सी बी पर क्या करेगा, पीछे की तरफ लगा देगा। अच्छा, ए से मैं देखूं तो बी किधर जा रहा है, अगर ए से देखा जाए तो ए की वेलोसिटी उल्टी होकर इधर मिल जाएगी, तो ए के रिलेटिव भी 18 से आगे ही जा रहा होगा, तो ए के रिलेटिव बी जो है बहुत तेजी से आगे जा रहा है, तो ए बी पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाएगा,
ए जो है वो बी पर पीछे की तरफ लगा देगा एफ टू। अब मैं ए के ऊपर देखू, अगर ए के ऊपर देखूंगा तो ए बी ने ए ने बी पर पीछे की तरफ लगाया था तो बी चुप नहीं बैठेगा, उसके ऊपर आगे की तरफ एफ टू लगा देगा। हा? अच्छा ये ग्राउंड के रिलेटेड देखें तो ये पीछे जा रहा है, जमीन से देखें तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो जमीन इस पे आगे की तरफ लगा देगी, ये एफ थ्री लग जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखा सकते हैं। डायरेक्शन का बड़ा महत्व है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होगा उसी को अपोज करेगा। एक और केस बनाता हूं मैं, चलो चार ब्लॉक कर दिया, नंबर ऑफ ब्लॉक से मतलब नहीं, हमें दो वेलोसिटी से मतलब है। इसकी वेलोसिटी है वन, इसकी फाइव, इसकी थ्री, इसकी टेन, सब मीटर पर सेकंड में है। तो आपको ए बी सी डी इन सब पे फ्रिक्शन का सिर्फ डायरेक्शन दिखाना है, फ्रिक्शन के डायरेक्शन से मतलब है। ठीक है, पॉज करें, दो मिनट का समय लें, फिर आरएस का सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है अब। तो जैसे अगर मैं सी के रिलेटिव देखूं तो सी के रिलेटिव जो है ए चार से पीछे जा रहा होगा, सी तेज भाग रहा है ना, तो उसके हिसाब से ए पीछे जा रहा होगा। तो ए अगर पीछे जा रहा होगा तो ए पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो आगे की तरफ लग रहा होगा, मान लिया एफ वन। अब अगर मैं सी के रिस्पेक्ट में देखूं तो ए पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है एफ वन। तो अब सॉरी सॉरी नाम मैंने रख दिए, क्या नाम रखा, ये डी है, सॉरी इसका नाम डी है, दिस इज डी, गलत बोल गया। अगर मैं सी के रिस्पेक्ट में देखूं तो डी जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, और डी पीछे की तरफ जा रहा है तो इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा। अब अगर मैं सी पर बनाऊं, सी पे अगर मैं देखूं तो सी ने डी पे आगे की तरफ लगाया था, तो डी ए पर क्या करेगा, पीछे की तरफ लगा देगा, डी सी पर पीछे की तरफ लगा दिया एफ वन। बी के हिसाब से देखा जाए तो सी आगे की तरफ ही जा रहा है, तो बी के हिसाब से सी आगे की तरफ जा रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो एफ टू था, एफ टू लग जाएगा। ठीक है, सी हो गया बी। अब देखें बी ने सी पर पीछे की तरफ लगाया था, तो सी बी पर आगे की तरफ लगाया जाएगा, मान लिया एफ टू। अगर मैं ए के हिसाब से देखूं तो ए के हिसाब से देखूं तो बी पीछे जा रहा है, ये ज्यादा तेज चल रहा है ना, तो ए के हिसाब से बी पीछे जा रहा है, तो ए क्या करेगा, बी पर आगे की तरफ लगाएगा, मान लीजिए एफ थ्री लगा दिया। फिर मैं ए पर देखूं तो ए के हिसाब से बी पर फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ लगा रहा था, तो बी ए पर पीछे की तरफ लगाएगा, मान लीजिए एफ थ्री। जमीन के हिसाब से देखूं तो ए आगे जा रहा है, तो जमीन इसके ऊपर पीछे की तरफ लगा देगी एफ फोर। तो इस तरह से इनके ऊपर लगने वाले फ्रिक्शन के डायरेक्शन, अभी हम सिर्फ डायरेक्शन डिसाइड किए हैं, वैल्यू का डिस्कशन हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है बच्चों, इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर जो आपका डायरेक्शन होता है फ्रिक्शन का, वो रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है ये चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है। तो जैसे मान लीजिए कि ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक जमीन पर रखा है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है, और ये ब्लॉक वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। तो ब्लॉक अगर वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो पीछे की तरफ लगेगा, वो जो फ्रिक्शन फोर्स है उस फ्रिक्शन को उसको मैं एफ के दिखा रहा हूं। एफ के का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, वैसे तो एफ ही बोलेंगे, अभी समझाने के लिए एफ के बोल रहा हूं मैं। तो एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली लोगों ने यह ऑब्जर्व किया है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एन के, जितना ज्यादा इस पर नॉर्मल लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। और जब ये एन के प्रोपोर्शनल होता है और हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एफ के जो आता है वो म्यू एन के बराबर आ जाता है, ठीक है, या म्यू के इंटू एन के बराबर आ जाता है, जहां म्यू के एक कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, हिंदी में इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जैसे y प्रोपोर्शनल टू x से मान लो, तो हम जैसे y प्रोपोर्शनल टू x होता है और हम y बराबर kx लिखते हैं, तो k किस पे डिपेंड करता है, x या y पे, बताओ।
कि किसी पर डिपेंड नहीं करता, एक्स वाई दोनों पर डिपेंड नहीं करता, के कॉन्स्टेंट होता है जो कि एक्स वाई पर डिपेंड नहीं करता। उसी तरह से एफ के प्रोपोर्शनल टू एन था, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आया म्यू के, तो ना तो ये एन पे डिपेंड करेगा ना एफ के पे डिपेंड करेगा। जो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है जो दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में है, जो दोनों सतह संपर्क में है उनके बीच में उनकी रफनेस कैसी, उन दोनों सर्फेसेस का जो नेचर है वो कैसा है, कम रफ है या ज्यादा रफ है, इस बात पर डिपेंड करेगा। तो ये जो एफ के है, एफ के ये डिपेंड करेगा, इसको एफ के की जो सॉरी जो म्यू के की वैल्यू है वो म्यू के डिपेंड्स अपॉन म्यू के डिपेंड्स अपॉन द म्यू के डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द pair of surfaces in contact, pair of surfaces in contact, किसी जैसे ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है तो ब्लॉक का अपना सरफेस कैसा है और जो जमीन है उसका सरफेस कैसा है, दोनों के ऊपर म्यू के डिपेंड करेगा। थियोरेटिकली म्यू के की वैल्यू जीरो से इनफिनाइट तक कुछ भी हो सकती है, कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि म्यू के की वैल्यू जीरो से वन के बीच होती है, ऐसा मानना सरासर गलत है। थियोरेटिकली म्यू के की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकती है, जीरो से इनफिनाइट के बीच म्यू के की वैल्यू कुछ भी कोई भी वैल्यू पॉसिबल है जीरो से इनफिनाइट के बीच, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप म्यू के की उठा सकते हो, ठीक। तो म्यू के जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द पेयर ऑफ सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट, जो पेयर ऑफ सर्फेसेज हैं उनके नेचर पर डिपेंड करता है, और म्यू के जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, एफ के और एन से। वैल्यू इसकी जीरो से लेके इन्फिनिटी तक थ्योरेटिकली कुछ भी हो सकती है, प्रैक्टिकली वैल्यू जैसे 0.5 0.6 इससे ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। अब इस चीज को काइनेटिक फ्रिक्शन से जुड़े कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो कुछ सवाल मैं आपको दूंगा करने के लिए। जैसे एक सवाल ये दे रहा हूं मैं, बहुत सिंपल सवाल है ये, 1 kg का ब्लॉक है, ये 0.1 फ्रिक्शन कॉफिशियंट है और ये ब्लॉक जा रहा है 10 m/s की स्पीड से, 10 m/s की स्पीड से जा रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाइंड द टाइम व्हेन द ब्लॉक विल स्टॉप, फाइंड द टाइम व्हेन द ब्लॉक विल स्टॉप, फाइंड द टाइम एंड द ब्लॉक विल स्टॉप, कितने समय बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा। तो अभी देखिए ये ब्लॉक जा रहा है इस तरह से मूव करता हुआ जा रहा है और ये जो ब्लॉक है चलते चलते यहां पहुंच गया, वेलोसिटी जीरो है इसकी, ठीक है, यहां पर आकर के ये रुक गया। अब ये इस जगह पर रुक गया अगर, तो यहां से यहां तक हम पहले तो इसका एक्सेलेशन निकाल लेते हैं, इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, मान लेते हैं फ्रिक्शन जो पीछे की तरफ लग रहा है एफ के लग रहा है, तो एफ के जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, म्यू एन के बराबर आएगा। एफ के की जो वैल्यू आएगी वो म्यू एन के बराबर होगी, म्यू हो गया 0.1 और एन की वैल्यू हो जाएगी 10, नॉर्मल 10 के बराबर हो जाएगा। तो ये फ्रिक्शन जो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया वो इसके ऊपर 1 आ गया। अभी देखिए वेलोसिटी आगे की तरफ है, फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो जब हम एफ इक्वल टू एम ए लगाएंगे इसके ऊपर तो F की वैल्यू जो आएगी वो F की वैल्यू आ जाएगी -1, मास भी 1 है इसका, तो एक्सेलेरेशन इसका -1 आ गया, एक्सेलेरेशन -1 आ गया। अब मैं यहां से यहां तक अगर इसको इक्वेट करूंगा तो V इज इक्वल टू यू प्लस एटी आएगा, V इज इक्वल टू यू प्लस एटी आएगा। U की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है, A की वैल्यू -1 है इंटू टी, और फाइनली हमें पता लगाना है कि ये 0 के बराबर हो गया, तो टाइम जो आएगा वो 10 सेकंड का आ जाएगा। 10 सेकंड का जो टाइम होगा इस समय में ये ब्लॉक रुक जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई रुकने के पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आप s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दें या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दें, दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला सवाल देखिए, इसके अंदर जो पिछला सवाल था उसी से मिलता जुलता है ये क्वेश्चन। पिछला जो था वो इस तरह था, वन केजी का ब्लॉक है ये, ठीक है, 1 kg का ब्लॉक है, इसका वेलोसिटी मैंने दे दी 10 m/s, ये वेलोसिटी देके हमने इसको छोड़ दिया,
ठीक है। अब उसके बाद ये इसके ऊपर मैं एक फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा हूँ F, F की वैल्यू जो इन्होंने बताई है वो 2 न्यूटन बताई है, 2 न्यूटन के बराबर F की वैल्यू है। सवाल वही जो पिछला वाला था, म्यू की वैल्यू 0.1 है, म्यू 0.1 के बराबर है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी हमने और F जो है वो 2 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से वही है, सेम क्वेश्चन, फाइंड द टाइम when the block stops, find the time when the block stops, वो समय बताओ जब ये ब्लॉक रुक जाता है, ठीक है, वो टाइम आप बताइए जब ये ब्लॉक जाकर के रुक जाएगा। तो वही सेम क्वेश्चन है, सारी चीजें वही है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ और इस फ्रिक्शन की वैल्यू वही आएगी 1 के बराबर, फ्रिक्शन 1 के बराबर आएगा और 1-2 न्यूटन का फोर्स आप पहले से पीछे से लगा रहे हैं तो कुल मिला के पीछे की तरफ इस पे 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा और हम F इक्वल टू MA जब करेंगे तो F की वैल्यू जो आएगी वो -3 आएगी, मास 1 है तो एक्सेलेरेशन जो आएगा उसकी वैल्यू -1 आ गई, A इज इक्वल टू -1 आ गया, सॉरी -3 आ गया। अब ये आपसे पूछा कि भाई इसको रुकने में कितना समय लगेगा, तो मैं मान लेता हूं कि टी समय के बाद ये रुक गया और इस दौरान मान लेते हैं एल दूरी चल गया, खैर दूरी आपसे पूछी नहीं है, मैं मान ले रहा हूं एल चल गया और एल चल करके ये रुक गया है। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ई टी के हिसाब से देखें अगर, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, यू 10 था, ए 3 के बराबर है, तो जो टाइम आएगा इट विल बी इक्वल टू 10/3 सेकंड, ठीक है। तो 10/3 सेकंड्स में जाके ये रुक जाएगा, 10/3 सेकंड्स के बाद ही जाकर के रुक जाएगा अगर हम एक फोर्स पीछे की तरफ इस तरह से लगा दें, ठीक है। तो ये 10/3 सेकंड्स के पास रुक जाएगा। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि भाई ये अगर मान लो चाहे तो ये पता लगा सकते हैं कि यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वही v² = u² + 2s से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये वापस लौटने में कितना टाइम लगेगा क्योंकि फोर्स तो अभी भी लग ही रहा है ना इसके ऊपर, तो जैसे जब रुकेगा तो रुकने के बाद ये 2 न्यूटन का जो फोर्स है वो डोमिनेट करेगा और ये पीछे की तरफ लौट करके आएगा, लेकिन जब ये पीछे की तरफ लौटेगा तो फ्रिक्शन इस पर इधर लगेगा, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं आगे कि ये लौटने में कितना टाइम लगेगा। इस तरह से हम लोग इस टाइप के सवालों को कर सकते हैं। एक इसमें एक और टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक ऊपर जा रहा है और या इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 केसेस बनते हैं, अप ऑन द इंक्लाइन, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तब क्या होगा, तो अप ऑन द इंक्लाइन का केस मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये ब्लॉक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी से, तो अब अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो किस तरह से इसके एक्सेलेरेशन वगैरह क्या आएंगे, तो ये थीटा आ रहा है हाँ? अब जैसे इस पे mg है तो इधर लगेगा mg साइन थीटा, इधर लगेगा mg कॉस थीटा, इस तरफ mg साइन थीटा, इस तरफ mg कॉस थीटा, फिर एक इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा, फिर उसके बाद नॉर्मल लगेगा और ये चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन जो है वो भी नीचे की तरफ ही लगेगा। mg sin थीटा, mg का कंपोनेंट जो इधर आएगा mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा, फ्रिक्शन इस पे नीचे की तरफ लगेगा। तो अब देखें इसमें वेलोसिटी आगे की तरफ है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, तो हम इसके लिए ऐसे कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए, एफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ mg sin थीटा प्लस, अच्छा एम की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर आएगी तो प्लस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू एम ए, ये हो जाएगा। तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाता है माइनस ऑफ जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। जैसे अगर इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक फिसलता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी वो माइनस ऑफ जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा हो जाएगा, ये अप ऑन द इंक्लाइन हो गया। डाउन द इंक्लाइन अगर हम देखें, डाउन द इंक्लाइन यही ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है मान लीजिए, तब क्या होगा, अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो फर्क क्या पड़ेगा, सोचे फर्क बस इतना पड़ेगा कि नीचे आ रहा है तो रिलेटिव मोशन का पोजीशन होता है तो फ्रिक्शन फोर्स पे ऊपर की तरफ लगने लगेगा, तो ये हो जाएगा म्यू एन नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा, ऊपर की तरफ ये एम जी कॉस थीटा और इधर नॉर्मल लग जाएगा। अभी नीचे की तरफ आ रहा है,
अब नीचे की तरफ आ रहा है तो सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा एफ बराबर एम ए लगाएं तो नीचे की तरफ इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है एम बराबर एम ए से अगर हम देखें तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए ठीक है एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए सॉल्व करेंगे तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो बेसिकली रिटार्डेशन होगा और उसकी वैल्यू आएगी और नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलेरेशन जो आएगा वो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा के बराबर होगा तो अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन अगर दोनों दो केसेस लिए जाएं तो दोनों में जो फ्रिक्शन होता है उसका डायरेक्शन अलग अलग होता है और उसके डायरेक्शन के अलग होने की वजह से चीजों में बदलाव आता है। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपको इसी कंसेप्ट के ऊपर कराने जा रहा हूं, ये जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है इसी के ऊपर छोटा सा सवाल कराने जा रहा हूं मैं आपको। देखें सवाल क्या है समझे, ये एंगल थीटा है, ब्लॉक को मैंने प्रोजेक्ट किया, सवाल में समझा रहा हूं, ब्लॉक को प्रोजेक्ट किया कहीं रुका, रुकने के बाद वापस आ गया, यहां से आपने किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, रुकेगा रुकने के बाद फिर चलता हुआ वापस आ गया ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन में बोला जा रहा है If time of descent is double of the time of ascent, if time of descent is double of the time of ascent, find the friction coefficient, find the value of mu, time of descent is double of the time of ascent, find the value of mu, जो descent का time है वो उसका double है तो mu की value बताओ। मैं 3 मिनट का समय दे रहा हूं, आप 3 मिनट मतलब पॉज करें फिर 3 मिनट का टाइम लें फिर RSR का सोल्यूशन देखें। मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूं ठीक है, तो देखिए मेरा सोल्यूशन देखिए, ये पार्टिकल मैंने यहां से इसको फेंका वो मैं चीज मैंने बना रखी है, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो रिटार्डेशन होगा और रिटार्डेशन की वैल्यू इससे दी जाएगी, जब नीचे आ रहा होगा तो एक्सेलेरेशन होगा। अब देखिए जब ये यहां से यहां तक जा रहा है तो बहुत पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको होगी आपने ये नहीं पढ़ा हुआ है तो आप नोट्स देखें या पुराने जो काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स हैं उनको देखें तो वहां पर आपको ये मिलेगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी होता है वीटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर भी होता है। तो मैं यहां से यहां तक एसेंट का मतलब ऊपर जाने का जो टाइम है और डिसेंट का मतलब ठीक है वो नीचे आने का टाइम है, तो यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं कि एल डिस्टेंस गया तो एस की वैल्यू एल के बराबर होगी, फाइनल वेलोसिटी यहां से यहां पहुंचा फाइनल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलेरेशन जो है खुद नेगेटिव है मतलब रिटार्डेशन है तो दो माइनस प्लस हो जाएंगे, जाएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू टी का स्क्वायर, ये ऊपर जाने का टाइम मान लिया मैंने। अब जब ये नीचे आ रहा है तो मैं देखो होशियारी दिखा रहा हूं यहां पे ठीक है, कलाकारी इसी को कहते हैं कि जब ये नीचे आ रहा है तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, तब मैं लगाऊंगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जब ये नीचे आएगा तब मेरा फॉर्मूला ये हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और यहां से यहां तक जब पहुंचेगा तो s की वैल्यू l हो गई। अब यहां से यहां तक करूंगा तो u जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो यह हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा और क्वेश्चन में साफ बोल रहा है कि लौटने का टाइम डबल है इंटू टू टी का होल स्क्वायर ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, इन दोनों को इक्वेट में कर दूंगा तो देखो क्या होगा, ये हाफ जी से हाफ जी कट जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, अपने पास आएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 times साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यह आ जाएगा। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 sin theta इज इक्वल टू 5 μ cos θ, या अल्टीमेटली आपसे म्यू की वैल्यू पूछी गई थी ना, तो यहां से अगर देखें तो यहां से जो म्यू आएगा ये हो जाएगा 3
बाई फाइव टेन थीटा, म्यू विल बी इक्वल टू 3/5 टेन थीटा, ये म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये सवाल हम लोग कर सकते हैं।